हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सिंह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएन क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे टच करें और उसके बगल में एक बेल बनकर आ जाएगी छोटी सी, उसे भी प्रेस करें। उससे आपका फायदा ये होगा कि हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और लाइक करने का फायदा आपको ये होगा फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो समझ लीजिए कि आप वीडियोस को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और उससे आपको और सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज मैं आपके लिए कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि कुछ लोगों ने मुझसे बुक्स रिकमेंड करने के लिए कहा था कि मैम आर ओ यारो से संबंधित एग्जाम के लिए कुछ बुक्स के नाम बता दीजिए। तो आज उस लिस्ट को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ और ये जो मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ ये ना सिर्फ आपके आर ओ यारो बल्कि लोअर पीसीएस, पीसीएस, अपर पीसीएस और कई हद तक आईएएस के क्षेत्र को भी कुछ कवर करेगा। तो आइए देख लेते हैं बुक क्या है उसमें। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आरओ यारओ के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज हिंदी को दिया गया है, तो सबसे पहले हम हिंदी की बुक्स के नाम जानते हैं। देखिए, हिंदी जो व्याकरण हमें पढ़ना है वो एक बुक तो है वासुदेव नंदन जी की और दूसरी लूसेंट आप देख सकते हैं। इसमें दिए तो बहुत सारे टॉपिक्स गए हैं लेकिन आपको सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, आपको हर काम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप पढ़ने बैठिए तो चाहे आप सिलेबस को फोटोकॉपी करा लीजिए, चाहे जो मैंने आपको बताया है उसे आप नोट्स बनाकर एक कॉपी पे रख लीजिए, और जब भी पढ़िए तो सिलेबस को सामने रख के पढ़िए ताकि उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस में पूछा गया है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का टाइम इस समय आपके पास नहीं है, बहुत सीमित समय है। तो आपको उस हिंदी की बुक में से वो 6 पॉइंट जो मैंने आपको सिलेबस में बता रखे हैं उन्हीं 6 पॉइंट को कवर करना है। बाकी आपको मेंस के लिए पढ़ना है उसको, मेंस का जो टॉपिक मैंने बताया है उसको मेंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। इन दोनों बुक से आपका कवर हो जाएगा, दोनों ही द बेस्ट बुक्स हैं। आगे हम देखते हैं निबंध के लिए। मेंस में हमारा निबंध पूछा जाएगा, 3 निबंध है, काफी इंपॉर्टेंट है, निबंध का ही वेटेज है, उसी से समझ लीजिए आपका सिलेक्शन जोन तय होता है। तो उसके लिए एग्जाम टाइम्स पब्लिकेशन की बुक आती है, बाई अजय कुमार है ये। अब मैं अजय कुमार को क्यों रिकमेंड कर रही हूँ ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, आप जाइए बुक स्टॉल पर बोल दीजिए हिस्ट्री की बुक दे दीजिए तो वो आपको 10 से ज्यादा बुक निकाल कर दे सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की आपको 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा बुक्स मिल सकती हैं, लेकिन मैं आपको उनका नाम सजेस्ट कर रही हूँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके हैं, जिन्होंने 3 बार JRF क्वालिफाई किया है, वो टीचिंग की जॉब को छोड़े हैं और समीक्षा अधिकारी सचिवालय में उनको उनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन उन्होंने वहां पे ज्वाइन नहीं किया। अभी इस समय वो प्रॉपर पीसीएस हैं गोंडा में और सीटीओ हैं, सीटीओ की पोस्ट पर वो इस समय हैं। तो उनकी बुक मैं बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की, वो आपको उनके सिलेक्शन से पता चल गया होगा कि कितनी जगह उन्होंने सिलेक्शन लिया। लोग एक बार JRF नहीं निकाल सकते, वो 3-3 बार JRF निकाल कर बैठे हुए हैं। तो आइए देखिए कि बहुत ही अच्छी उन्होंने स्टडी की और उनकी बुक जो है वो सेलेक्टेड लिखी हुई है, बहुत ही उपयोगी लिखी हुई है। बहुत ज्यादा बुक तो लिखी जाती है लेकिन ये है कि जरूरी तथ्यों से ज्यादा बहुत ज्यादा भरमार कर दी जाती है 50 बुकों से देख करके, लेकिन ये चीज इन्होंने नहीं किया है। करंट को देखते हुए, आपके सिलेबस को देखते हुए उस अकॉर्डिंग इन्होंने बुक को बनाया है जो कि बहुत अच्छा बनाया है। मैं पर्सनली उस बुक को फॉलो करती हूँ इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, मैं पढ़कर देख चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है और सारे आपके सिलेबस को कवर करती है। तो निबंध के लिए आप एग्जाम टाइम की बुक देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल भी आती है इनकी जो कि बहुत अच्छी है, वो भी आप अजय कुमार एग्जाम टाइम्स की देख सकते हैं। फिर यूपी हल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने निकाले हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये आप देख सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब कोई इंसान, कोई पर्सनालिटी पढ़कर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ाए तो क्यों ना उसके एक्सपीरियंस से हम लाभ उठाएं। तो बस वही मैं आपको कह रही हूँ, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आपको बस क्योंकि ये मैं इन सारी बुक्स को मैं खुद फॉलो करती हूँ इसीलिए मैं आपको नाम बता रही हूँ। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इन बुक्स को लेने या ना लेने के लिए, पर्सनली मेरा इसमें कोई अटैचमेंट, कोई फायदा नहीं है, बस आपके भले के लिए ये बुक्स मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बुक्स बहुत अच्छी हैं रियल में। उसके बाद फिर आप देखिए पर्यावरण विशेषांक इनका पढ़ सकते हैं क्योंकि आरओ यारओ में पर्यावरण एवं पारिस्थिति को काफी ज्यादा वेटेज दिया जाता है, इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं, इसलिए आप इनकी देख सकते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण से भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं या इससे ज्यादा ही रहते हैं, आप इसको भी कवर कर सकते हैं। भारत का भूगोल है इनका, ये भी एग्जाम्स टाइम्स बाई अजय कुमार है, ये भी आप देख लीजिए। एक और बुक आती है ज्योग्राफी की, काफी इंपॉर्टेंट है, महेश वर्णवाल जी की, उन्होंने भी ज्योग्राफी अच्छी लिखी है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, लेकिन पर्सनली मुझे भारत का भूगोल अजय जी का ही पसंद आता है इसलिए मैं उसी को देखती हूँ। बाकी आप विश्व का भूगोल महेश वर्णवाल जी की देख सकते हैं।
और संविधान जो है वो आप परीक्षावाणी की देख सकते हैं। परीक्षावाणी भी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। विज्ञान भी आप परीक्षावाणी की ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो इतिहास है, इतिहास के तीन पार्ट होते हैं जैसा आप जानते हैं, एंशियंट, मॉडर्न और ये क्या बोलते हैं मेडिवल। इन तीनों पार्ट के लिए आप एसके पांडे को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग से राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इतिहास से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एंशियंट और मेडिवल से थोड़े कम रहते हैं, लेकिन आधुनिक या राष्ट्रीय आंदोलन को काफी वेटेज दिया जाता है। आपके इस आरओ यारो के एग्जाम में भी वेटेज दिया गया है, आप सिलेबस में देख सकते हैं। तो इसलिए आप इसको विपिन चंद्रा की फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है, आपको समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी बुक है। अब आगे आप इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए वैसे तो बहुत बहुत सारी बुक है, लेकिन वो बहुत हैवी और लेंदी हो जाती है, इसलिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक देख सकते हैं। ये अपने आप में सफिशियंट बुक है, ये आपका काम कर देगी। अब रही बात करंट की, तो करंट आप कैसे तैयार करेंगे, उसके भी विभिन्न स्रोत हैं। आप डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे नोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उससे सारे जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो कवर नहीं होते। तो आप घटना चक्र का लास्ट में आता है एग्जाम्स के लिए, करंट का आता है, वो आप लेकर देख सकते हैं। या जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो द हिंदू पेपर पढ़े। द हिंदू आपने पढ़ लिया तो द हिंदू तो अपने आप में सफिशियंट है, लेकिन जो द हिंदू नहीं फॉलो कर सकते वो जनसत्ता या दैनिक जागरण, कोई भी राष्ट्रीय स्तरीय पेपर आप लेकर के देख लें। बाकी आप घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण की मंथली या एनुअली निकलती है बुक, उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। ये बुक्स के नाम मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। बाकी आपको इन सारी चीजों के साथ एक और चीज ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अपनी आगे की स्ट्रेटजी तय करनी है। और उसके बाद फिर आपको एग्रीकल्चर देखना है, एग्रीकल्चर परीक्षा वाणी की आप एग्रीकल्चर भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं एक भूल गई थी, कृषि, आपको एग्रीकल्चर देखनी है तो ये भी आप परीक्षा वाणी की देख सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी इसमें काफी पूछा जाता है। ये सारी बुक्स जो आपकी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप आरओ या एआरओ के लिए पढ़ेंगे, आपके पीसीएस के सिलेबस को भी कवर करती है। ठीक है, ये मैंने लिस्ट आपको बता दी। इन लिस्ट के हिसाब से आपको जो उचित लगे आप बुक ले सकते हैं, या आप स्वतंत्र भी हैं अपनी मन की बुक खरीदने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।